थाना दिवस के कार्यक्रम के तहत डीआईजी व पुलिस अधीक्षक ने सुनी आम जनता की फरियाद। आम लोगों के मामलों में सहूलियत से निपटारा के लिए पूर्वी चंपारण जिला ने अभियान शुरू किया है और मोतिहारी एसपी कुमार आशीष की पहल पर जिले के सभी 6 अनुमंडलों में जनता का दरबार का आयोजन किया गया। मोतिहारी सदर अनुमंडल का जनता का दरबार, जहाँ बेतिया के डीआईजी पीके प्रवीण ने लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही जमीन और अन्य मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस अवसर पर मोतिहारी नगर के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट। सरकार की ओर से ये जनता दरबार का कार्यक्रम प्रस्तावित रहा शुरू से। हमारी सरकार जो है वो प्रशासन के हर विभाग को ये निर्देश दी हुई है कि आप जनता दरबार करें, उसके लिए दिन भी निर्धारित किए गए। एसपी साहब के यहाँ बृहस्पतिवार को जनता दरबार होता रहा है, जिसमें जनता की समस्याएं सुनी जाती रही हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोगों में पूरी तरह ये विश्वास नहीं हो पाता है कि उनकी समस्या का निदान हो पाया। लोगों को शिकायत रह जाती है कि थाना शायद उनकी सुनता नहीं है और प्रॉपर कार्रवाई नहीं करता है। इसी को देखते हुए हमारे एसपी साहब ने ये नई पहल की है कि थाना पर अविश्वास अगर है तो वरीय पदाधिकारी खुद थाना पर जाएं और लोगों की समस्या को सुने और उस इलाके के जो भी लोग हैं उनको हमेशा दूरी तय नहीं करना पड़े, पुलिस अधीक्षक का कार्यालय या उससे ऊपर का कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़े, यहीं पर उनका निदान हो जाए उनकी समस्या का। तो यह पहल जो है एसपी साहब की, यह बहुत ही सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे लोगों को फायदा अवश्य हो रहा होगा। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं एसपी साहब को और यहाँ की जनता को, हम पूरे पुलिस प्रशासन को और आप पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग भी अपना बहुत लंबा समय निकाल करके यहाँ अपना समय दे रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे किस तरह का समस्या? समस्या तो ऑलवेज आज की जो समस्या है, एक व्यक्ति आए थे जो बताए थे, तो है सच्चाई वही है। अभी हम लोग फिर वही देख रहे हैं कि मैक्सिमम समस्या जो आज प्रॉपर्टी रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या है और भू माफिया। अभी पूरे हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ ये लैंड का प्रॉपर जो है अकाउंटिंग नहीं हो पाया है, जो एक समस्या है हमारे लैंड रिफॉर्म्स में, अभी तक वो हो नहीं पाया है। जो भी सर्किल ऑफिस हैं वहाँ पर लैंड का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, म्यूटेशन किसके नाम से हो गया, फिर किसी के नाम से हो गया, डबल म्यूटेशन तक की हम ये शिकायत वगैरह हम सुनते रहे हैं। तो ये समस्या के चलते लैंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। भू माफिया हम समझते हैं राज्य के हर जिले में, ऑलमोस्ट हर जिले में ये इन लोगों का ये लोग हावी हो चुके हैं। तो इन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसमें पुलिस प्रशासन और जनता दोनों का सहयोग आवश्यक है। एक तो ये समस्या है, बाकी दूसरी समस्या जो आजकल समाज में, पहले होता था क्या कि अपराधी समाज से अलग चिन्हित होते थे, पूरा समाज एक तरफ और अपराधी का गुट एक तरफ होता था, जो एकदम सभी लोग जानते थे कि ये अपराधी है। पुलिस के लिए भी आसान होता था कि